एक बार गौतम गंभीर से ये पूछा गया कि आप लोगों को एक रुपए में खाना कैसे खिलाते। फिर हमारे मन में भी ये सवाल आया कि एक रुपया भी क्यों लेना, फ्री में क्यों नहीं खिलाते। इस सवाल का बेहतरीन जवाब गौतम गंभीर ने दिया, जो दिल्ली के गरीब बच्चों और लोगों को अपनी जन रसोई के माध्यम से एक रुपए में खाना खिलाते। उनके अनुसार एक्चुअली खिलाना तो फ्री में चाहते थे, लेकिन एक रुपया हमने इसलिए रखा था क्योंकि जो भी व्यक्ति, मेरे लिए किसी भी इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो हमारी कम्युनिटी किचन में आए तो अपना सर नीचे करके ना, सर ऊंचा करके आए, क्योंकि उन्होंने खाना खाने के लिए एक रुपया दिया है। जब भी कोई एक रुपया डालकर खाना खाने आता है तो अपनी आंखें ऊंची करके सम्मान के साथ खाता है। गौतम गंभीर के अनुसार अगर किसी को खाना खिलाना ही है तो सबसे पहले उस इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट करना बड़ा जरूरी है, इसलिए फ्री में खाना खिलाने की बजाय एक रुपया लिया जाता है। गाइस, आपको गौतम गंभीर का ये जवाब कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। 131 डॉट बॉल, ओ माय गॉड, भारत का एक ऐसा गेंदबाज जिसने एक ही मैच में लगातार 131 डॉट बॉल फेंके थे, यानी कि 131 गेंदे फेंकने के बाद भी उसने एक रन भी नहीं दिया। किसने किया था ये कारनामा, चलिए जानते हैं। ये मैच खेला गया था 12 जनवरी 1964 को। चेन्नई में भारत वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा था और क्रीज पर बल्लेबाजी करने के लिए इंग्लैंड के केन बैरिंगटन और ब्रायन बोलर्स उतरे थे। उस समय गेंदबाजी करने भारत का एक ऐसा स्पिनर आया जिसने लगातार 131 डॉट बॉल फेंक डाले। भारत के उस लेफ्ट आर्म स्पिनर का नाम है रमेश चंद्र नाडकर्णी उर्फ बापू नाडकर्णी, जिन्होंने लगातार 131 डॉट बॉल फेंक कर गेंदबाजी का ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज तक नहीं टूटा है। वैसे गाइस, क्या आपको इसके पहले तक बापू नाडकर्णी के इस रिकॉर्ड के बारे में पता था, और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। जब वो अपनी पहली सोलो मूवी रिलीज रॉकी का इंतजार कर रहा था तो उसके 3 दिन पहले उसकी माँ का देहांत हो गया। वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। इस गम को भुलाने के लिए उसने ड्रग्स का सहारा लेना शुरू कर दिया, लेकिन ड्रग की लत ने उसे मार दिया। 2 साल तक ड्रग की लत को छुड़ाने के लिए वो यूएस रहा, लेकिन उसके बाद जब उसने कमबैक किया तो खलनायक जैसी मूवी में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा दिया। लेकिन प्रॉब्लम्स यही खत्म नहीं हुई। 1993 के बम धमाकों में अवैध हथियार रखने के चक्कर में उसे जेल भेज दिया गया, लेकिन फिर से जब रिहा हुआ तो वास्तव जैसी मूवी में फिल्म फेयर अवार्ड जीते और उसके बाद मुन्ना भाई जैसी मूवी में राष्ट्रीय पुरस्कार तक जीते। लेकिन प्रॉब्लम्स यही खत्म नहीं हुई। 2013 में अदालत ने उसे फिर से दोषी पाया और 5 साल की कैद की सजा सुना दी। इतने उतार चढ़ाव देखने वाले हमारे संजू बाबा आज भी अपनी एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड में अपना एक अलग मुकाम बनाए हुए हैं, तो अपने संजू बाबा के लिए एक लाइक तो बनता है। वो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। पापा की एक छोटी सी इलेक्ट्रीशियन की शॉप थी, लेकिन उसके पापा के काम में और पढ़ाई में कभी मन ही नहीं लगता था। वो कुछ बड़ा करना चाहता था, इसके लिए वो मुंबई शिफ्ट हो गया। लेकिन 8 साल तक स्ट्रगल करने के बाद जब उसके हाथ में कुछ नहीं लगा तो वापस गांव आ गया। लेकिन उसने सोचा कि क्यों ना एक बार और कोशिश की जाए, इसके लिए वापस मुंबई आया और मोटिवेशनल रैप सॉन्ग्स लिखने शुरू किए। उसने अपना पहला रैप सॉन्ग लूजर नाम से 2016 में जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड किया, वो रातों रात वायरल हो गया। वो एक ऐसा रैपर था जिसने कभी भी अपना सॉन्ग किसी भी बड़ी म्यूजिकल कंपनी को नहीं बेचा और हमेशा अपना सॉन्ग यूट्यूब के अपने चैनल पे अपलोड किया। आजकल के गाइस, छोटे से गांव से निकले इस रैपर के लिए एक हार्ट तो बनता है।